मेरठ में इंसानों को शर्मसार करती लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर तड़पता रहा युवक और लोग बनाते रहे वीडियो, किसी ने नहीं उठाई युवक को अस्पताल पहुंचाने की जहमत। युवक ने सड़क पर तड़प तड़प कर तोड़ दिया दम। युवक को वक्त पर मिलता इलाज तो बच जाती युवक की जान। आपको बता दें, तेज रफ्तार बस की चपेट में आया था युवक। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है। परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी इलाके की पूरी घटना है। तो मेरठ से तस्वीरें सामने आ रही है, इंसानों को शर्मसार करती तस्वीरें मेरठ से सामने आ रही हैं। आपको बता दें, तेज रफ्तार बस की चपेट में आया था युवक और लोग युवक को अस्पताल पहुंचाने के बजाय वीडियो बनाने में मशगूल हो गए। अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद आज इस युवक की जान बच सकती थी, लेकिन मानवता को शर्मसार करती हुई मेरठ से तस्वीरें सामने आ रही है। तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से युवक का ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन किसी ने भी युवक को अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई और लोग उसका वीडियो बनाने में मशगूल रहे। युवक को अगर वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्दुल कादिर जुड़ गए। अब्दुल, एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है, क्या कुछ कहना है वहां खड़े तमाशबीन लोगों का? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, ये एक मानवता को शर्मसार करने वाला पूरा मामला सामने आया है। यहाँ मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में ये रोड पर एक एक्सीडेंट होता है जहाँ एक युवक बस की टक्कर से घायल हो जाता है, लेकिन वो युवक वहाँ काफी देर तड़पता रहा और जो भीड़ वहाँ इकट्ठा मौजूद थी वो उसको बचाने की बजाय जो है वहाँ उसकी वीडियो बना दे रहे, और पूरी तरीके से ये पूरा शर्मसार करने वाला मामला। अगर उसको भीड़ वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाती शायद ही उसकी जान बच जाती। जी श्वेता, वाकई अब्दुल, तुम्हारा तो कुछ शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए अब्दुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।